वेस्ट इंडीज को तीसरे टी20 मैच में हराकर टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में पहुंची पहले पायदान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ सुनीता। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। इससे पहले टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में भी वेस्ट इंडीज पर क्लीन स्वीप किया था। वेस्ट इंडीज के सामने इस मैच में 185 रन का टारगेट टीम इंडिया ने रखा था, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी और यह मुकाबला हार गई। वेस्ट इंडीज की तरफ से निकोलस पूरन 61 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। भारत की ओर से हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट चटकाए। इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन का स्कोर बनाया था। सूर्य कुमार यादव 65 रन के साथ टीम इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 35 रन की नाबाद पारी खेली। वेस्ट इंडीज की ओर से जेसन होल्डर, ऑस्टिन चेज, हैरन वोल्श, रोमारियो शेफर्ड और डोमिनिक ड्रेक्स ने 1-1 विकेट चटकाया। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचा है। इससे पहले टीम इंडिया 3 मई 2016 को टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान थे। टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में काइले मेयर्स को 6 के स्कोर पर दीपक चाहर ने अपना शिकार बना लिया। ये सफलता भारत को DRS पर मिली। दरअसल भारतीय टीम ने कैच की अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद मेयर्स के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ईशान किशन के ग्लव्स में गई थी। चाहर ने अपने अगले ही ओवर में शाय होप को 8 रन के स्कोर पर आउट कर वेस्ट इंडीज को दूसरा झटका दिया। उसके बाद निकोलस पूरन और रोमन पावल ने तेजी से 25 गेंदों पर 47 रन जोड़कर विंडीज टीम को मैच में वापसी करा दी। इस साझेदारी पर हर्षल पटेल ने ब्रेक लगाया पावल को 25 के स्कोर पर आउट कर। वेंकटेश अय्यर ने केरन पोलार्ड 5 को आउट कर मेहमान टीम को बड़ा झटका दिया। वेंकटेश ने अपने अगले ओवर में जेसन होल्डर को 2 के स्कोर पर आउट कर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। ऑस्टिन चेज 12 का विकेट हर्षल पटेल के खाते में आया। इसके बाद 7वें विकेट के लिए निकोलस पूरन और रोमारियो शेफर्ड ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 48 रन जोड़कर मैच को रोमांचक बना दिया। निकोलस पूरन को 61 के स्कोर पर आउट कर शार्दुल ठाकुर ने भारत की मैच में वापसी कराई। रोमारियो शेफर्ड को 29 के स्कोर पर हर्षल पटेल ने आउट कर भारतीय टीम की जीत पक्की कर दी। इस तरह से भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मैच में भी वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर इस 3 टी20 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप वेस्टइंडीज पर कर लिया है और इसके साथ ही टीम इंडिया आईसीसी की टी20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पर पहुंच गई है। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।